अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा चूल्हा है, ये स्टोव जो है वो मेरा सारा ख़राब हुआ हुआ है, जल गया था। तो ये कैसे मैंने ये देखे, ये नीट एंड क्लीन, इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। इसके दो सीक्रेट इसकी चीज़ें हैं जिसके साथ मैंने साफ़ किया है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें जी शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले लेमन मैक्स लिया, लिक्विड भी आप ले सकते हैं और लेमन मैक्स जो बाहर होता है आप वो भी ले सकते हैं। उसके साथ ये स्टील वूल जो होती है जिसके साथ हम बर्तन धोते हैं वो लेंगे और उनको ऐसे चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और वो देखें जी इस तरह मैक्स को हम इसके ऊपर जले हुए इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद स्टील वूल से हम क्लीन करेंगे, क्यों अक्सर ये हमसे चाय वगैरह गिर जाती है, दूध गिर जाते हैं, कुछ ऐसे सालन वगैरह गिर जाता है। अगर हम उसको वक्त पर साफ़ ना करें तो उसके ऊपर जो निशान है वो उसके ऊपर मज़ीद पक्का हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से साफ़ होता है। लेकिन अगर आप इसको लेमन मैक्स लिक्विड के साथ या लेमन मैक्स बार के साथ साफ़ करेंगे तो वो जो भी निशान होगा, जो भी जला हुआ जो भी हिस्सा होगा वो इंशाल्लाह साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह ये मैंने सही रगड़ रगड़ के इसको साफ़ किया है। ये देखें इसको जब अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा उसके बाद एक कपड़ा लेंगे कोई भी, उसके साथ हम इसके ऊपर से सारा साफ़ सुथरा करेंगे और उसके बाद उस कपड़े को हम थोड़ा सा पानी के साथ साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे। तो वो धुला हुआ कपड़ा दोबारा हम दो तीन दफ़े इसके ऊपर मारेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी निशान वगैरह जो रह जाएँ वो सारे हट जाएँगे। मज़ीद इस तरह के कोई भी वीडियोस वगैरह के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि ये जो मेरे चैनल है ये रैंडम इसमें वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, कोई कुकिंग से रिलेटेड आ जाती है, कोई जिस तरह ये अभी मैं आपको ये स्टोव अपने साफ़ करके दिखा रही हूँ इससे रिलेटेड आ जाएंगी, कोई हेल्थ से रिलेटेड आ जाती हैं, यानी कि कोई भी फूड वगैरह जो बनाते हैं या वेट लॉस जो सूप वगैरह होते हैं वो देखिए कुछ मैं ट्राई कर देख सकती हूं, तब मैं आगे वीडियो बनाती हूं। इसके ऊपर मैंने धुला हुआ कपड़ा से वेट भी सही कम हो जाता है जो वाइट पैटर्न ट्राई किए थे ये सूप। बस आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक जो स्टील वूल होती है वो और इसके साथ लेमन मैक्स लिक्विड या लेमन मैक्स बार। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।